नरेन की गाड़ी पर, नरेन की गाड़ी पर गुंडो ने गोली चलाई है, लेकिन उसके अंदर पूजा बैठी है। पूजा को ऑलरेडी शक हो गया था कि कुछ गुंडे जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे देख चुकी थी, तो फटाफट वो दानिश को बोलती है कि नरेन की गाड़ी में बैठो और हम नरेन की गाड़ी में जाएंगे, इससे पहले नरेन वहाँ पहुँच जाए और वो उस गाड़ी में जाए। और गुंडों को अभी तक लग रहा था कि नरेन गाड़ी में है और इसीलिए उस पर अटैक करने की कोशिश की गाड़ी पे और नरेन पे। लेकिन अब पूजा बाहर निकल रही है गाड़ी से, तो सब लोग सरप्राइज हैं और पूजा जानती है कि अंगराज जिंदा है और इसीलिए वो बोलती है कि आप चलाइए गोली, आप रुक क्यों गए। वो कॉन्फिडेंट है और सबको वार्न भी कर रही है कि पूजा नरेन की ढाल बनकर खड़ी हुई है और उनको कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है, मतलब नरेन पर गोलियां किसने चलवाई होंगी? नरेन पर गोलियां अंगराज ने चलवाई होंगी फॉर श्योर, क्योंकि अंगराज नरेन को मारना चाहते थे। मेरे भाई की जान तो वो ले ही चुके हैं इनडायरेक्टली, अब नरेन को भी मारना चाहते हैं और नरेन सीधा सीधा मेरी बात तो मानेंगे नहीं, तो अब मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना है जिससे मैं उनकी जान बचा पाऊँ। मतलब पूजा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ढाल बनकर नरेन का कुछ ना हो। राइट, नरेन से दूर रहकर भी पूजा अभी भी मतलब नरेन को पूरी तरह से सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आगे मतलब अभी नरेन का क्या जानने के लिए, जानने के बाद क्या होगा उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा पिया अलबेला, मंडे से फ्राइडे रोज 8:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। ये जरूर दिखाना अगर एडिट किया तो।